हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए मैं बात करता हूं फ्रेंड्स सामान्य विज्ञान या तर्क शक्ति के बारे में, एसएसआर नेवी से संबंधित प्रैक्टिस सेट। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, जो भाई इसमें नया आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नासिक शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? फ्रेंड्स, कौन सी नदी है जिसके किनारे पर नासिक शहर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। नेक्स्ट देखिए, हॉटलाइन क्या है? तो हॉटलाइन क्या होती है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, एक दूर संचार कड़ी होती है। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या प्रयुक्त होती है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, रोम मेमोरी, मतलब जो आप बोलते हैं ना जाके, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें प्रयुक्त की जाती है रोम मेमोरी। नेक्स्ट देखिए, डॉटर ऑफ ईस्ट किसकी कृति है? डॉटर ऑफ ईस्ट किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए, बेनजीर भुट्टो की। नेक्स्ट देखिए, निम्न में भारतीय व्यक्ति व उनके उपनाम हैं, इनमें से कौन सा गलत है? देखिए, सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता था, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता था? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता था, करेक्ट है। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता था? लोकमान्य नेता, करेक्ट है। जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता था? नेताजी। ये गलत है, क्यों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्हें बोलते थे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप समझे होंगे इस बात को। धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है, तो फ्रेंड्स किस चीज़ से संबंधित है धन्वंतरी पुरस्कार? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि आप जानते हैं धन्वंतरी का नाम चिकित्सा में ही ज़्यादातर आता है हिस्ट्री में। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर सर सी वी रमन जो होते हैं, जो थे, को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर ए, 1930 में किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, इसमें पूछ रहा है हमसे, विश्व में प्रथम महिला के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? तो देखिए, प्रथम प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नाइके। नेक्स्ट दे रखा है, माउंट एवरेस्ट विजेता जुनेको तेवाई, नाम भी तो ऐसे ऐसे होते हैं इनके, राष्ट्रपति मारिया स्टेला। नेक्स्ट दे रखा है, माउंट एवरेस्ट विजेता, तो देखिए फ्रेंड्स दो ऑप्शन दे रखे हैं, माउंट एवरेस्ट विजेता, तो इनमें से प्रथम की बात कर रहे हैं, तो एक तो फ्रेंड जाहिर सी बात है जब दो दे रखे हैं तो एक तो गलत होगा ही होगा माउंट वाले में से। अब कौन सा गलत होगा वो हम आपको लिए बताते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें गलत होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, डियोगो गासियारा द्वीप कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का फ्रेंड्स, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी हुई है? फ्रेंड्स कौन से काम से जुड़ी हुई है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सड़क निर्माण से। नेक्स्ट पूछ रहा है फ्रेंड्स, हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल कौन सा है? तो हवा से हवा में वार करने वाला होगा इससे फ्रेंड्स, तो कौन सा मिसाइल है, उस मिसाइल का नाम क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, त्रिशूल। नेक्स्ट देखिए, पिछोला झील भारत के किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स कौन से शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर में। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है या पीछे है, ये बताना फ्रेंड्स। ये तो पता है कि 5.5 घंटे है, लेकिन आगे है या पीछे है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी, आगे है फ्रेंड्स हमारा टाइम। नेक्स्ट देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सी तारीख को होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर को। नेक्स्ट देखिए, भारत में कौन सा एक बृहत व्रत कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहत व्रत कहलाता है तथा पृथ्वी के दो भागों में बांटने वाली रेखा? तो कौन सी है फ्रेंड जो पृथ्वी को
दो भागों में बांटती है, भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, दिए गए स्तंभों से वायुमंडलीय परतों तथा उनकी विशिष्टताओं का सही मेल कौन सा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही मेल है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र का प्रारूप 50 देशों द्वारा तैयार किया गया स्थान का नाम क्या है? कौन से स्थान पर किया गया था फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? भारतीय संविधान की आत्मा, इसमें दे रखा है हमारे पास ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, लेकिन मुझे लगता है भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें से विषम शब्द छांटना फ्रेंड्स, धीमा, विलंबित, थका हुआ या आलसी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर होगा सी, थका हुआ, क्योंकि विलंबित मतलब देरी से काम करने वाला, आलसी मतलब वही आलस में काम करने वाला, धीमा मतलब स्लो, थका हुआ मतलब बिल्कुल कुछ काम करने वाला ही नहीं। थका हुआ क्या है? एक बिल्कुल बेमेल है, अलग है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताइए आप, इसमें से कौन सा अलग है, भिन्न है? सक्षोभ, विनाश या उपद्रव, भ्रम? तो फ्रेंड्स देखिए, ये सभी क्या एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ए बी सी, लेकिन डी जो है अलग है, भ्रम। भ्रम मीन्स एकदम उसे भ्रम हो रखा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं? तो फ्रेंड्स त्रिभुज बताना है, त्रिभुज कितने बन रहे हैं? तो फ्रेंड्स कितने होंगे? 18 होंगे। कैसे होंगे त्रिभुज इसमें? देखिए कैसे, आप देख सकते हैं, पहले अंदर वाले इसकी बात करता हूँ मैं, अंदर वाले स्क्वायर दे रखा है इसकी, देखिए एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन, चार, चार हो गए, क्लियर। अब देखो इसमें चार थे, तो अगर ये लाइन खींची तो एक दो दो हो गए, एक ये खींचेंगे तीन चार चार, ये हो गए तो आठ हो गए, मतलब एक अंदर जो वाला दे रखा है उसमें आठ हो गए, तो बाहर वाले में भी कितने होंगे? आठ होंगे, तो आठ आठ 16 तो डायरेक्टली हो गए हमारे पास, 16 हमारे पास डायरेक्टली हो गए। एक हमारे पास ये दे रखा है 17, और एक हमारे पास ये हो गया पूरा, तो 18, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें से बोल रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो सार्थक क्रम में रखा हुआ है। पहले लेखक होंगे, उसके बाद होंगे संपादक, उसके बाद होता है फ्रेंड्स प्रकाशक, उसके बाद होता है मुद्रक, और उसके बाद होता है विजेता, सॉरी विक्रेता, जो विक्रय करता है। आप देखते हैं पहले किताब लिखी जाती है, उसके बाद क्या होता है, उसका संपादक होता है कोई, उसके बाद प्रकाशक होता है कोई, उसके बाद क्या होता है, एक मुद्रक होता है, उसकी प्राइस और उसकी